आज हम पढ़ते हैं उस्तादा के हकूक़ या शागिर्दों के हकूक़। उस्ताद की हैसियत बारिश की है और शागिर्द की अलिफ आसमान, बे धूप, जीम ज़मीन, दाल पौधे की। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ आसमान की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलिफ मुझे इबादत गुजार बनाकर भेजा गया, बे मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, जीम मुझे नसीहत गुजार बनाकर भेजा गया, दाल मुझे रहम दिल बनाकर भेजा गया। इसका दुरुस्त जवाब है बे, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। ये किसका कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक हरफ पढ़ाया इसने मुझे ग़ुलाम बना लिया, चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे और चाहे तो मुझे फ़रोख्त कर दे। अलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, बे हज़रत अली, जीम हदीस, दाल हज़रत अब्दुल्ला बिन आस। इसका दुरुस्त जवाब है बे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हदीस की रूह से इंसान के कितने बाप हैं? अलिफ दो, बे तीन, जीम चार, दाल पाँच। इसका दुरुस्त जवाब है बे, तीन। इंसान की इल्मी और रूहानी तरबियत कौन करता है? अलिफ इसका उस्ताद, बे इसका वालद, जीम इसका भाई, दाल वो खुद करता है। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ, उसका उस्ताद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी निस्बत हासिल करता है। अलिफ ताजर को, बे मुलाजम को, जीम मुअल्लिम को, दाल हुक्मरान को। इसका दुरुस्त जवाब है जीम, मुअल्लिम को। इस्लाम में उस्ताद की खिदमत की क्या हैसियत है? अलिफ गैर ज़रूरी, बे ज़रूरी है, जीम हालात के मुताबिक, दाल मामूली। इसका दुरुस्त जवाब है बे, ज़रूरी है। आगे हम पढ़ते हैं रिश्तेदारों के हकूक़। रिश्तेदारों के लिए अरबी ज़ुबान में कौन सा लफ्ज़ हुआ है? अलिफ अज़ीज़, बे अकारब, जीम दोस्त, दाल मुकीम। मिरास में हकदार है, अलिफ हमसाए, बे दोस्त, जीम हमसफ़र, दाल रिश्तेदार। इसका दुरुस्त जवाब है दाल, रिश्तेदार। सिला रहमी कहा जाता है, अलिफ वालदैन का ख्याल रखना, बे रिश्तेदारी और कराबत का ख्याल रखना, जीम बीवी बच्चों का ख्याल रखना, दाल दोस्तों का ख्याल रखना। इसका दुरुस्त जवाब है बे, रिश्तेदारी और कराबत का ख्याल रखना। किता रहमी से मुराद है, अलिफ नए दोस्त बनाना, बे रिश्तेदारों पर से ताल्लुकात बनाना, जीम रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ना, दाल किसी पर रहम ना करना। इसका दुरुस्त जवाब है जीम, रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ना। हदीस के मुताबिक कता ताल्लुक करने वाला दाखिल नहीं होगा। अलिफ अल्लाह के साए में, बे दोज़ख में, जीम जन्नत में, दाल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इसका दुरुस्त जवाब है जीम, जन्नत में। अकारब के लोग भी मानी हैं, अलिफ दोस्त, बे रिश्तेदार, जीम हम जमात, दाल कुर्बत वाले। इसका दुरुस्त जवाब है बे, रिश्तेदार। हकूक़ अकारब से क्या मुराद है? अलिफ दोस्तों के हकूक़, बे रिश्तेदारों के हकूक़, जीम मोहल्लादारों के हकूक़, दाल औलाद के हकूक़। इसका दुरुस्त जवाब है बे, रिश्तेदारों के हकूक़। अकरबा से मुराद है, अलिफ हमसाए, बे गरीब, जीम रिश्तेदार, दाल करीब वाले। इसका दुरुस्त जवाब है जीम, रिश्तेदार। सिला रहमी का फ़ायदा है, अलिफ माल में इजाफ़ा, बे मोहब्बत में इजाफ़ा, जीम इज़्ज़त में इजाफ़ा, दाल अकल में इजाफ़ा। इसका दुरुस्त जवाब है बे, मोहब्बत में इजाफ़ा। जार के मानी हैं, अलिफ पड़ोसी, बे रिश्तेदार, जीम ज़रूरतमंद, दाल बड़ा। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ पड़ोसी। हक़ शुफा है, अलिफ दोस्त का, बे हमसाए का, जीम रिश्तेदार का, दाल मोहल्लादार का। इसका दुरुस्त जवाब है बे, हमसाया का। जो शख्स ये चाहे कि इसकी उम्र और रिज़्क में बरकत हो, उसे चाहिए कि वो अलिफ किता तल्की करे, बे सिला रहमी करे, जीम सब्र करे, दाल मेहनत करे। इसका दुरुस्त जवाब है बे, सिला रहमी करे।
इस्लाम में सख्ती से ममानियत की गई है। अलिफ रिश्ता जोड़ने की, बे रिश्ता तोड़ने की, जीम ताल्लुकात उस्तवार करने की, दाल मिलने जुलने की। इसका दुरुस्त जवाब है बे रिश्ते तोड़ने की। इस्लाम में जायदाद का वारस किस किस को करार दिया है? अलिफ महल्लेदारों को, बे दोस्तों को, जीम करीबी रिश्तेदारों को, दाल हमसाये को। इसका दुरुस्त जवाब है जीम करीबी रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों को दो इनका, अलिफ हक, बे हिस्सा, जीम माल, दाल घर। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ हक। आगे हैं हमसाये के हकूक। हमसाया या पड़ोसी कहते हैं। अलिफ करीबी रिश्तेदार को, बे दूर के रिश्तेदार को, जीम दोस्त अहबाब को, दाल करीब रहने वालों को। इसका दुरुस्त जवाब है दाल करीब के रहने वालों को। जार के मानी है अलिफ पड़ोसी, बे दोस्त, जीम भाई, दाल रिश्तेदार। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ पड़ोसी। हक़ शुफा किसका हक है? अलिफ हमसाए का, बे रिश्तेदार का, जीम वालदेन का, दाल औलाद का। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ हमसाए का। पड़ोसियों को को देने की ममानियत की गई है। अलिफ इज़्ज़त, बे अज़ियत, जीम शराफत, दाल दौलत। इसका दुरुस्त जवाब है बे अज़ियत। पड़ोसी की हक तलफी करना है। अलिफ बाय से गुनाह, बे बाय से अजर व सवाब, जीम बाय से तकब्बुर, दाल बाय से इज़्ज़त। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ बाय से गुनाह।